अपनी असली औकात दिखा ही। जितना जल्दी गिरगिट अपना रंग बदलता है ना, उससे भी ज्यादा जल्दी तुमने अपना रंग बदला। तुम तो थाली के वो बैंगन, जिस तरफ वजन होता है उस तरफ लुढ़कते। आजाद गंज पे तुम खुद राज नहीं कर सके, इसलिए अपने बाप के साथ जुड़ गए। अरे रागी ने बोला, ए अपनी आवाज नीचे कर, और देखे गुंडों को बोलने गई। अरे शराब क्या? हाँ ये सब क्या थोड़े आक्षण। बस बस नाटक बंद, ये ऐसे नहीं जाएगी, इसे घसीट के लेके जाना पड़ेगा, हम लेके जाते। चलो तो। और ये देखिए वहाँ बातचीत हुई हुई हुई। और दीदी भड़क गई वहाँ पे, लेकिन इमली को कुछ हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैम, मार दूंगी जान से। और देखिए गई वो। कमल जी हट जाइए सर, बोले आक्षण इमली का आक्षण देखो वहाँ पे ले गए। बोल। और बोला कोई बहन को भी बुरा बना दिया और उसे अकेला छोड़ दिया, तो पता नहीं तुमने इमली को क्या पट्टी पढ़ाई है, पर इतना याद रखना अगर तुम्हारे कारण हमारी बहन को कुछ हुआ तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। हाथ छोड़ो हमारा, हम खुद चले जाएंगे। देखिए गई गुस्से में। कमल जी ने गांव वाले को बोला जा सब जाओ साइड देख लो आप लोग। और ये कमल जी ने सूरज को बोला राइट में आक्षण, ये लड़की हवेली में लेके आओ उसको। ये आक्षण गाँव लाइए वहां। और ये देखिए नमन हंसी नहीं उदास है, हाथ जोड़ कर गाड़ी यहाँ पे। अरे यार देखो ना इधर आना, टू शॉट कर यार मस्ती कीजिए बस। और ये देखिए आए, इसको इशारा करो जाओ। और देखिए ये होगा वापस चले जाओ वहीं पे। टूकर आना तो अटेंड कर दो रेंजन पे आशन। देखिए वहां सामने लेफ्ट में दिखा रेंजन। हाँ सर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। देखिए फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। और पीछे राइट में देखो, पीछे से आ रहे हैं, सूरज आ रहे हैं देखो सामने। ये देखिए सूरज आए यहाँ पे और वो भी इनके साथ मिल गया। देखिए चतुर आए उधर से, यहाँ पास में जब चिल्ला इन लोगों। और ये बोले आप लोग जाओ, आ जाओ के जाइए आप लोग। चुप हो दीदी, चुप हो जा। कब बकवास कर दिए, कब से जानक भी है तो किससे बात कर रहे। कमल नारायण जी से बात कर रहे थे, हमारे ससुर जी से इस गाँव।